तो स्वागत है आपका एक बार फिर से फर्स्ट ट्रेड में। और इंडिकेटिव टिक्स देखते हैं, आज संकेत अच्छे हैं तो निफ्टी 55 पॉइंट्स ऊपर। तो इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी नए रिकॉर्ड लेवल पर 10,143 पर है, जबकि सेंसेक्स में भी मजबूती देखने को मिल रही है। आज अक्रॉस द बोर्ड एशियन मार्केट्स में जिस तरह का रुझान है, उम्मीद यही बनी हुई है कि ओपनिंग में निफ्टी कोशिश करेगा नए हाई को हिट करने की। हमारे साथ हमारे सारे मेहमान बने हुए हैं, जय ठक्कर हमारे साथ हैं, ब्रजेश सिंह हमारे साथ और साथ ही विकास सेठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने यूएस मार्केट्स को भी देखा होता शुक्रवार को, तो वहाँ पर अच्छे संकेत थे और S&P 500 इनफैक्ट रिकॉर्ड लेवल्स पर था, जो कि आज सुबह एशियन इंडाइसिस में भी देख रहा है। सो अच्छी ओपनिंग एक्सपेक्टेड है ब्रजेश, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यही है कि जो हमने शुक्रवार के ट्रेड में देखा था या फिर पिछले हफ्ते के ट्रेड में, एक्चुअली 10,100 एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था एंड 10,050 टू बी प्रिसाइज 10,047 ये सपोर्ट लेवल था। आज अगर इस रेंज के बाहर खुलता है निफ्टी जैसा लग रहा है इंडिकेटिव टिक्स में, तो क्या फिर हम 10,100 पर सपोर्ट एक्सपेक्ट करें? गुड मॉर्निंग मीर जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने जैसे 9700 का एक बेस बनाया, उसके बाद में 9000 का एक बेस बनाया, तो 100 पॉइंट का बेस लेके चल रहा है। जो भी नेगेटिव न्यूज आई लास्ट वीक में, उसको भी हमने डिस्काउंट किया और एटलीस्ट कम से कम हमने 10,000 का जो लेवल है उसको बरकरार रखा और उसके ऊपर बंद दिया। जिस हिसाब से SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, तो मेरा मानना यही है कि 10,000 वुड बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट। एंड अगर थोड़ा सा एग्रेसिव अगर हम बाइंग करें तो 10,050 को भी ले सकते हैं कि वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह बतौर प्ले करेगा। और मेरा मानना यह है कि आपको हो सकता है कि लेटर हाफ या कल के सेशन में निफ्टी एक नया 50-week टॉप बनाता हुआ नजर आए, और अगर एक बार अगर 10,140 या 10,170 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करके सस्टेन करता है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि निफ्टी आपको 10,300 या 10,350 के भी लेवल दिखा दे। एज अ टाइम साइकिल सीरीज मैं आपके चैनल पे पहले भी बोल चुका हूँ कि 10,400-10,450 का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि नवंबर में अचीव होगा, और हो सकता है कि वो डिस्काउंट करके वो सितंबर की सीरीज में एक बार दिखता हुआ भी नजर आए, या हो सकता है कि बिफोर दिवाली दिस द लेवल ऑफ 10,400 माइट बी अचीव। ठीक है, 10,400 भी हो सकता है। हेमंत, आप क्या करेंगे बैंक निफ्टी के साथ? बैंक निफ्टी पे भी आपको लगता है कि मजबूती दिखेगी, क्योंकि आपने कहा आपके टॉपिक अलाहाबाद बैंक है। बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स देखे जा सकते हैं? चलिए, आई थिंक हेमंत इस समय नहीं है हमारे साथ, लेकिन जय, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी निफ्टी बैंक पर? निफ्टी बैंक पर भीर मेरा ये मानना है कि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, लास्ट इनफैक्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, तो कि 25,000 के आसपास आता है बैंक निफ्टी, और वहीं से हमें थोड़ा एक रिवर्सल देखने मिलता है, अच्छी खासी राइटिंग वहाँ पे देखने मिली थी। आज के ट्रेडिंग सेशन में आई बिलीव कि अगर इस तरह से अगर गैप अप ओपनिंग देखने मिलती और अगर 25,000 निकलने में कामयाब होता है निफ्टी बैंक, बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट फिर से हमें देखने मिलेगा। 24,500 के ऊपर तो ब्रेकआउट देखने मिला ही था, अब ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट फिर से 25 के ऊपर देखने मिलेगा, जिसके बाद जो इमीडिएट हर्डल रहेगा मेरे वो 25,200 का है। तो एक चीज़ तो ये मानने में है कि 25 के लेवल निकलते हैं तो 200 पॉइंट्स की इमीडिएट रैली बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी टिल 25,200, और अगर 25,200 के लेवल्स भी निकलते हैं मेरे, देन इस ये सीरीज में इटसेल्फ आई थिंक 25,500 के लेवल्स निफ्टी बैंक छुएगा। ऑन द लोअर साइड 24,800 अब तक के लिए एक अच्छा सपोर्ट बना था बैंक निफ्टी के लिए, 25 के ऊपर आज निकल कर अगर क्लोज करता है देन 25,000 विल नाउ बी अ क्रूशियल सपोर्ट, तो 24,800 का 25,000 हो जाएगा। तो आई थिंक पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। बिल्कुल। इस बीच चलिए, आज सुबह हमने बाजार ओपन होने के पहले आपको कुछ ट्रेड्स रेकमेंड किए थे, तो फास्ट मनी की वो पिक्स कौन सी थी देख लेते हैं। मैंने शुरुआत करी थी लॉरस लैब्स के साथ, 565 का टारगेट प्राइस, 545 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। इनकी वाइजाग यूनिट के लिए इनको क्लीन चिट मिला USFDA से, HCL ने एक नई गैस वेसल की डिलीवरी ली है, तो हो सकता है आज 95 तक की चाल देखने को मिले। TVS मोटर्स की इलेक्ट्रिक बाइक्स उतारने की योजना है, इसका प्रोडक्शन जल्द शुरू हो सकता है। पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है 665 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। आरकॉम में बिकवाली करें, शुक्रवार को भी कमजोर था, आज भी हो सकता है कमजोरी अगर बढ़ी तो 20 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है। लेकिन EPS के तौर पर हिमाद्री केमिकल, ये कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फिर जो
इलेक्ट्रोड्स बनाने की जो कामकाज होता है उससे किसी तरह से जुड़ी हुई हो सकता है। फ्राइडे का मूव आज बढ़ता हुआ देखिए 127 तक की चाल देखने को मिल सकती है। एसबीआई का आरकॉम में बड़ा एक्सपोजर है, अगर आरकॉम में कोई भी दिक्कत होती है तो हो सकता है एसबीआई में उसका प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिले। आज 265 तक की डाउनसाइड के लिए अप्रोच करें, 275 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। किर्लोस्कर न्यूमैटिक एक कंपनी है जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने बड़ा चंक खरीदा है, शुक्रवार के सेशन में 0.8% हिस्सेदारी एक्वायर करी है। 1020 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। मंगलम ड्रग को डब्ल्यूएचओ से एक ड्रग के लिए फाइनल अप्रूवल मिला है, आज 165 तक की चाल के लिए अप्रोच करें। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में बिकवाली करें, यूएसएफडीए ने यूके इकाई की जांच करी थी उसमें 3 आपत्तियां मिली हैं। आज 2165 रुपए का टारगेट प्राइस, 2230 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और बतौर सुपर हिट शेयर रेन इंडस्ट्रीज, इस कंपनी का भी इलेक्ट्रोड्स या तो फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उससे लेना देना है, आज हो सकता है 162 तक की चाल देखने को मिले, 152 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। बीएफ यूटिलिटीज के साथ शुरुआत की है मैंने, कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहे थे प्रीवियस सेशन में, आज के लिए टारगेट है 404, स्टॉप लॉस 386। इसके अलावा आरजीएस पे नजर रख सकते हैं, लो लेवल से खरीदारी है, स्मॉल कैप काउंटर है, 34 का टारगेट, 3190 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। हुडको पे आज का टारगेट है 89, स्टॉप लॉस 8450 का फॉलो करें। एनआईटी टेक दो कंपनियों को खुद में विलय करने की मंजूरी शेयरधारकों ने दी है, आज 512 तक पहुंच सकता है, 495 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा बतौर ईपीएस शेयर मैंने बायोकॉन का उतारा है, 362 का टारगेट, 344 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। वाइजैक यूनिट को फॉर्म 483 मिला है यूएसएफडीए की ओर से। सुनील हाईटेक में आप खरीदारी कर सकते हैं, सीम इंडस्ट्री का आईपीओ जल्द आ सकता है, सब्सिडियरी कंपनी है, 14.6 का एक टारगेट रहेगा, 13.5 का स्टॉप लॉस। स्पेशलिटी रेस्ट्रो और एस्कॉर्ट्स आपके पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिला सकते हैं, दोनों ही स्टॉक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इसके अलावा कैडिला खरीदते हैं तो आज का टारगेट है 495, स्टॉप लॉस 476। और बतौर सुपर हिट शेयर मैंने उतारा है एबी फैशन को, साइमन कार्टर के साथ एक्सक्लूसिव करार किया है कंपनी ने, 176 से 178 का टारगेट लगाएं, 169.5 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं, लेकिन साथ ही कुछ और काउंटर्स जहां पर आज खबरें भी हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो एक बार तो देखते हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को, इस काउंटर पर अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है, काउंटर करीब 5% ऊपर है और इस पर खबर है तो इसका सीधा इम्पैक्ट इस काउंटर पर देखने को मिल रहा है। साथ ही कुछ और काउंटर्स जिस पर आप नजर रख सकते हैं, इसमें एक तो है मंगलम ड्रग्स, इन्हें और एक अपने नए फॉर्मुलेशन के लिए मंजूरी मिली है डब्ल्यूएचओ से, ये फाइनल अप्रूवल इन्हें मिलना बाकी था, तो इस काउंटर पर आप नजर रख सकते हैं। साथ ही लॉरस लैब्स और एक काउंटर है जिस पर आप नजर रख सकते हैं, यहाँ पर डब्ल्यूएचओ और जर्मन रेगुलेटर, इन्होंने जो ऑडिट शुरू किया था वो कंप्लीट हुआ है और यूएसएफडीए से भी इनका जो दूसरा यूनिट है उसके लिए इन्हें मंजूरी मिली है, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। टाटा एलेक्साई पर नजर रखिएगा, जो बोनस शेयर है उसकी एक्स डेट है आज और 1:1 के रेशियो में बोनस दिया गया था, तो इस काउंटर पर आप नजर रख सकते हैं। टाटा एलेक्साई आप देखिए इस समय करीब 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कुछ और काउंटर्स में बायोकॉन पर नेगेटिव खबर है, इन्हें अपनी वाइजैग यूनिट के लिए यूएसएफडीए से फॉर्म 483 इश्यू हुआ है, तो ये काउंटर ऐसा है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये शायद हो सकता है थोड़ा बहुत वॉलेटाइल भी रहे। और साथ ही आज दो लिस्टिंग्स भी हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल आज के लिए कोई स्टॉक्स अगर आपको रेकमेंड करने हो ब्रिजेश तो वो कौन से होंगे? देखिए आप ही के शो पे पहले भी बिफोर द स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड एक बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है चार्ट पे, लगभग 3000-3010 के आसपास बाइंग करने की सलाह रहेगी। 2970 का हमारा स्टॉप लॉस है और मुझे लगता है 3100 के तक के लेवल आपको अचीव होते हुए दिखेंगे दो से तीन ट्रेडिंग सेशन में, यानी क्लोजिंग अबाउट 3100 स्टॉक है पोटेंशियल गोइंग ऑल द वे टू 3980। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा था चार्ट पे वो मैक्स फाइनेंशियल है, लगभग 620-625 के आसपास में प्री ओपनिंग में वो दिखा रहा है, डिप शुड बी यूज फॉर अ बाइंग पर्पस, 600 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 645 फॉलोड बाय 660 एज अ टारगेट हम लुकिंग। इन्वेस्टमेंट बतौर सलाह रहेगी आप रिलायंस पे ध्यान करके चलें क्योंकि किस हिसाब से मूवमेंट दिया है आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन और जो स्टॉक्स में बोनस की वजह से जो 850 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, एनी डिप शुड बी यूज फॉर अ बाइंग पर्पस। मेरा मानना यह है लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बार आपको 1150-1200 के भी लेवल ये दिखा सकता है, नीचे सपोर्ट बतौर 780 फॉलोड बाई 800 के आसपास का आ रहा है, तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिसमें आप नजर रख सकते हैं। ठीक है, ये टॉप पिक्स हैं ब्रजेश के। विकास, आपने आईटीसी के बारे में तो हमें बताया था, आप बीपीसीएल और गेल पे आपकी कोई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि ये खबर आ रही है कि बीपीसीएल चाहता है कि वो गेल के साथ मर्ज हो जाए, कुछ खबरें ये भी कह रही है कि एक कॉन्ग्लोमरेट होगा जिसमें बीपीसीएल, गेल और ऑयल इंडिया होंगे, कुछ व्यू है आपकी इन स्टॉक्स पर?
देखिए अनिशा, जो न्यूज फ्लो है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है इन दोनों तीनों कंपनियों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा। अगर इस तरह का कंसोलिडेशन होता है तो एक उभर के कॉन्ग्लोमरेट के हिसाब से कंपनी बनेगी और उसमें कॉस्ट रेशनलाइजेशन का बेनिफिट, फिर आपके सिनर्जीज का बेनिफिट रहेगा। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि ये न्यूज मेरे ख्याल में इन दोनों स्टॉक्स के लिए पॉजिटिवली ट्रीट करनी चाहिए और उस लिहाज से मुझे लगता है ये आज अच्छे एक बढ़त के साथ खुलने चाहिए दोनों स्टॉक। जो पूरा ओएमसी स्पेस है उस पूरे स्पेस पर भी अच्छा इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। अगर आप निफ्टी को भी देखें तो इंडिकेटिव टिक्स में अच्छे संकेत जहां पर है, इसमें बीपीसीएल और आईओसी ये दोनों ही करीब 1.5% ऊपर हैं। और वैसे भी इनफैक्ट ओवर द वीकेंड भी जो खबरें आई हैं अब उसका कंज्यूमर एंगल से अगर आप देखें तो कुछ और अर्थ निकलता है। लेकिन जो पर्यटन मंत्री हैं अल्फोंस, उन्होंने यही कहा था कि पेट्रोल के ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा ही रहना चाहिए और ये ज़रूरी है क्योंकि जो पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले ग्राहक हैं वो भूखे नहीं मर रहे हैं। तो ये तो खैर एक अलग पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, लेकिन जो सरकार की फर्मनेस अभी तक है जो फ्री प्राइसिंग है उसे कंटिन्यू करने के लिए, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था और आज भी ओएमसीज पर देखने को मिल रहा है। ओएमसीज में आप की टॉपिक ब्रिजेश कौन सा काउंटर होगा इस समय? देखिए, जिस हिसाब से चार्ट दर्शा रहे हैं, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे वो एचपीसीएल हो या आईओसी हो, आई डोंट थिंक सो एनी पॉजिटिविटी। बीपीसीएल की बात करूं तो 520 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अगर मैं हिंद पेट्रो की अगर मैं बात करता हूं तो राइट नाउ इट्स बीन ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 450, रेजिस्टेंस लगभग 470 के आसपास में आ रहा है। एक जो स्टॉक अच्छा लग रहा है इसमें ऑयल एंड गैस में, वो एक MRPL है। हालांकि नो डाउट ऑलरेडी इट हैज शूटेड अप, बट स्टिल चार्ट सजेस्ट दैट कि इट हैज अ मोर पोटेंशियल ऑन अ हायर साइड। राइट नाउ 135 इट इज बीन इट गॉट क्लोज, एनी डिप शुड बी यूज फॉर बाइंग पर्पस। 130 के आसपास मिलता तो डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी, 122 का स्टॉप लॉस लेके। और मेरा मानना यह है कि शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे 145 का भाव देखने को मिलेगा, और अगर किसी का व्यू 1.5 साल का है तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है जो कि इंडिकेट करता है इसका टारगेट लगभग 270 का, बट उसके लिए कम से कम 1.5 से 2 साल रुकना पड़ेगा। जय, इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो, इनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी आज? वेल, मैं ये कहूँगा कि इन्फोसिस में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो एक बहुत ही अच्छा मूव देखने मिला। इनफैक्ट लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखो तो इन्फोसिस में एक अच्छा एक रिकवरी अपने हमें देखने मिली। ऊपर की तरफ से काफ़ी एक सेलिंग हमें देखने मिली थी, उसके बाद साथ ही साथ में इन्फोसिस में एक रिकवरी के साथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ बाय क्रॉस ओवर भी देखने मिला है चार्ट पर। आई थिंक इन्फोसिस में यहाँ से अभी भी लगभग 4-5% अप मूव देखने मिल सकता है। इमीडिएट बेसिस में अगर मैं आपको कहूँ तो 950-907 तक के लेवल्स देखने मिल ही सकते। ऑन द लोअर साइड आई बिलीव कि 890-895 एक अच्छी सपोर्ट रेंज बन चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बाय करना यहां से एक अच्छा स्ट्रेटजी रहेगी, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। 15 रुपीज ऑन द लोअर साइड, 40-50 रुपीज ऑन द अपसाइड। चलिए, मार्केट खुलने वाला है और निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में 10,133 पर रुका है, जबकि 10,137 इसका रिकॉर्ड हाई है। सिमिलरली सेंसेक्स 88 पॉइंट ऊपर है 32,361 पर, हालांकि इसका जो हाई है वो अभी यहां से थोड़ा सा दूर है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी अगर आप इंडिकेटिव में देखें तो नए रिकॉर्ड हाई पर है। तो उम्मीद यही बनी हुई है कि एटलीस्ट एक बार तो खुलने के बाद निफ्टी ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अपना पिछला हाई है, प्रीवियस हाई है, उससे डेफिनेटली हिट करेगा, जो कि इसने इससे पहले 2 अगस्त को हिट किया था। तो उम्मीद यही बनी हुई है कि वहीं पर आज फिर से एक बार मार्केट ओपन कर सकता है। 2 अगस्त को दोनों इंडेक्सेस ने हिट किया तो, और उन्हीं लेवल्स के आसपास निफ्टी खुला है। 10,137 ये है निफ्टी का लेवल इस समय, जो कि प्रीवियस हाई था। तो 2 अगस्त के बाद पहली बार निफ्टी इस लेवल पर है। 10,142 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है। एंड सेंसेक्स ये भी अच्छी खासी मजबूती के साथ 168 अंकों की तेजी सेंसेक्स पर इस समय देखने को मिल रही है। तो सेंसेक्स है 32,446 के लेवल पर और निफ्टी तेजी से 10,150 के लेवल को हिट करते हुए 10,150 निफ्टी ने अभी अभी हिट किया है। 65 अंकों की तेजी निफ्टी पर देखने को मिल रही है, जबकि सेंसेक्स 188 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप इन दोनों इंडेक्स पर भी नया हाई हिट हुआ है और निफ्टी 10,150 के पार 10,152 का लेवल इस समय यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 67 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी पर है। और सेंसेक्स 184 पॉइंट्स ऊपर 32,458 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक
ये 180 पॉइंट ऊपर है यानी पौने फीसदी की बढ़त 25,000 के पार निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करते हुए। तो तीनों ही जो फ्रंटलाइन इंडेक्सेस हैं इन पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। अगर हम गेनर्स को देखें निफ्टी के, इसमें टाटा मोटर्स है जो कि करीब 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, 411 का लेवल है। DVR पर भी अच्छा मूव है, BPCL है जो कि 0.25% ऊपर है, IOC ये करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, गेल के काउंटर पर ऑलमोस्ट 1.5% का मूव इस समय देखने को मिल रहा है। तो ऑयल एंड गैस स्पेस पूरा जो है उनकी तरफ से अच्छा कंट्रीब्यूशन है। बजाज ऑटो ये करीब 0.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है और IOC आपकी स्क्रीन पर ये करीब 0.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। बाकी कुछ गेनर्स इसमें कोल इंडिया है जो कि करीब 1% ऊपर है और साथ ही L&T यहाँ पर अच्छी मजबूती है। अब देखते हैं मिड कैप को, इसमें जो गेनर्स हैं इसमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस है, ये 2.5% ऊपर है, करूर वैश्या बैंक ये करीब 2.5% ऊपर, नेटको फार्मा 0.25% ऊपर और साथ ही वक्रांगी ये करीब 1.5% ऊपर है। वोखार्ड के काउंटर पर 1.5% का मूव है, डिश टीवी करीब 1.5% ऊपर है, साथ ही कॉनकॉर ये करीब 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। इसके अलावा जुबिलेंट फूड्स, रिलायंस कैपिटल, GMR इंफ्रा, पेट्रोनेट LNG, अदानी पावर ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जो कि इस समय अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। कैश के गेनर्स को देख लेते हैं एक बार, जहां पर शुरुआती टिक्स में अच्छी मजबूती अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस समय देखने को मिल रही है। इसमें HFCL है फिर से एक बार अपू में 5.25% ऊपर है, बॉम्बे डाइंग अपर सर्किट ये 5% ऊपर है, नितिन फायर पर ठीक मुंह देखने को मिल रहा है और साथ ही JM फाइनेंशियल सर्विसेज ये करीब 4.25% ऊपर है। ईडल वाइज और एक काउंटर है जो कि करीब 3% ऊपर है और साथ ही डेन नेटवर्क्स, JNK बैंक, मनपसंद बेवरेजेस ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती है। मार्क्सन्स फार्मा और एक काउंटर है जो कि करीब 3% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। आज दो लिस्टिंग्स भी होने वाली है, अब जिस तरह के ओपनिंग क्यूज हैं ऐसे में उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि कम से कम अच्छी ओपनिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है या फिर अच्छी लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। डेक्सन पर वैसे भी हमने सुना था ग्रे मार्केट में अच्छा खासा प्रीमियम चल रहा है, लेकिन देखते ही देखते 70 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 10,155 के लेवल पर है और सेंसेक्स 188 पॉइंट्स ऊपर 32,460 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है, निफ्टी बैंक 195 पॉइंट्स ऊपर। तो 2 अगस्त के बाद निफ्टी ने फिर से एक बार हाई हिट किया है। 2 अगस्त को ही दोनों ही इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर हाई हिट हुआ था, अब निफ्टी ने तो अपना नया हाई बना लिया है, सेंसेक्स पर अभी थोड़ा सा गैप बना हुआ है, लेकिन ओपनिंग अच्छी हुई है। हाँ, वेरी गुड। और ये हमारे गेस्ट कह रहे थे मेहर कि जब पिछले हफ्ते हमने देखा जो कुछ हेजिटेशन थी ऑल टाइम हाईज की तरफ, और अगर ये गैप अप में निकल जाती है तो फिर जो बेयर्स होते हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर ऐसा वो गैप जो आ जाता है कन्विक्शन देता है बुल्स को। और आज हमने देखा कि काफ़ी शुरुआत में इतनी तेज़ी आई है और ऑटो स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं आज। बजाज ऑटो का हमारे काफ़ी गेस्ट थे उसको रेकमेंड किया है, डूइंग वेल। अशोक लेलैंड भी ऊपर है आज, TVS मोटर्स, ऑटो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के तहत सारे एनर्जी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में भी कुछ बज़ है। ऑफकोर्स जो लिस्टिंग आज होनी है उसकी वजह से शायद, या जो भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स भी अच्छा करें। सिर्फ थोड़ी सी स्लो मूवमेंट हमने फार्म स्टॉक्स में देखी, वो न्यू स्पेसिफिक है डॉक्टर रेड्डीज़ में, पर आज काफ़ी अच्छा दिन है और मिड कैप्स भी कदम से कदम रख रहे हैं फ्रंट लाइनर से। होता ही अक्रॉस द बोर्ड एक्शन, तो हम मिड कैप स्टॉक्स पे से नहीं से पिछले हफ्ते देखते ही आ रहे हैं, तो आज शायद बड़े स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर भी हैं। और ऑफकोर्स नज़र रहेगी ITC और रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, जो सबसे ज़्यादा वेटेज है इन स्टॉक्स का। जय, आप क्या करेंगे रिलायंस और ITC पर? वेल, यू नो, मेरा ये मानना है कि रिलायंस तो एक अपट्रेंड में कंटिन्यूसली रहा ही है और अभी भी यहाँ पे अच्छे लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ऑन दी अपसाइड आई बिलीव, यू नो, 1000 तक के लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड हमें डेफिनेटली रिलायंस में देखने मिलेंगे। ITC आई थिंक ये काफ़ी ओवरसोल्ड है काफ़ी समय से, और जो हिसाब से इसमें एक बेस फॉर्मेशन देखने मिला ITC में आई थिंक यहाँ से एक अच्छा मूव हमें देखने मिल सकता है। नियर अबाउट 10% और सो एक बाउंस तो देखने मिल सकता है, और इनफैक्ट ये पूरा सेक्टर जो है इनमें और एक स्टॉक मुझे
पसंद है आईटीसी में, आईटीसी के सेक्टर में ही सिगरेट्स में आई थिंक इज गॉड फॉर फिलिप्स, जिसमें कंटिन्यूसली सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न फॉर्मेशन बनता आया है और उसके लोअर एंड से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला है। आई बिलीव कि ऑन द लोअर साइड अब 980-970 एक अच्छा बेस बन चुका है गॉड फॉर फिलिप्स में। अपर एंड ऑफ द रेंज जो बनकर आ रहा है वो 1150 पहले है, 1150 के बाद 1220 के लेवल से अगर वो लेवल्स निकलते हैं तो लगभग 1400-1500 भी गोइंग फॉरवर्ड इन कमिंग मंथ्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास दबाव यहाँ से इस लेवल से ये सेक्टर में हमें देखने मिले। ओवरऑल कंजप्शन ड्रिवन यू नो स्टोरी है और वो कंटिन्यू ही रहेगी। टैक्सेस के कारण थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ थोड़ा एक इम्पैक्ट आता है शॉर्ट टर्म में, एक प्रॉफिट बुकिंग भी उसके कारण देखने मिलता है, बट दैट कीप्स दी ओवरऑल ट्रेंड अप। और मुझे ऐसा लग रहा है आईटीसी के चार्ट को देख के कि जो हिसाब से इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहा है काफ़ी सालों से और जो हिसाब से मंथली चार्ट्स पर भी क्लियरली अफोर्ड्स टू बिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, लो साइड्स पर काफ़ी अच्छे सपोर्ट है। तो आई बिलीव कि इन्वेस्टर्स को या मीडियम टर्म ट्रेडर्स को पैनिक नहीं होना चाहिए और यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ से आईटीसी में भी देखने मिलेगा। रिलायंस में तो स्टोरी अलग है क्योंकि उसमें क्लियरली काफ़ी सालों के बाद आपको एक ब्रेकआउट देखने मिला था और हाई टॉप से हाई बॉटम देखने मिल रहे हैं, सो आई थिंक वो तो कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है और रहेगा भी। तो आई थिंक दोनों ही स्टॉक बाय करके ही चलना चाहिए। बिल्कुल, दोनों स्टॉक्स बाय करके चल सकते हैं और इनफैक्ट आज अगर आप जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देखें मार्केट में, L&T का कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी की तेजी में ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स का है, फॉलोड बाय रिलायंस जिसका 6 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है, फॉलोड बाय HDFC बैंक जिसका 5 पॉइंट्स का है, एंड देन ITC एंड ICICI बैंक, इन दोनों का मिला के जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ 10 पॉइंट्स, यानी ये जो 5 स्टॉक मैंने बताए यही मिलकर ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन निफ्टी पर दे रहे हैं इस समय पॉजिटिवली। सो नो वंडर ये जो हैवी वेट्स हैं उनकी बदौलत काफ़ी अच्छा मूव मार्केट पर देखने को मिल रहा है। 73 पॉइंट्स ऊपर 10,160 पर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। ब्रिजेश आपका जय शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ब्रिजेश ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई है, 10,150 के पार निफ्टी है, 10,160 पर हैवी वेट्स में अच्छा मूव है, बाइंग अक्रॉस द बोर्ड है। एक बार मार्केट की ब्रेथ को देख लेते हैं बिकॉज स्मॉल कैप और मिड कैप इन दोनों ने भी नया हाई हिट किया है और साथ ही निफ्टी ने तो किया ही है। सो लुक एट दैट ब्रेथ, BSE 233 काउंटर्स हैं जो कि नुकसान में है लेकिन बढ़त वाले काउंटर्स की संख्या 1144 है और NSE पर नुकसान वाले काउंटर्स हैं 192 लेकिन बढ़त वाले काउंटर्स की संख्या 1158 है। तो अच्छी कन्विक्शन वाली मजबूत और तेज ओपनिंग देखने को मिली है ब्रिजेश। डेफिनेटली मिहिर जी जैसे कीजिए आप निशान जो आप कह रहे थे कि एक नया 50 वे देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय जो पैनल पे अदर एनालिस्ट थे एक नया 50 वे देखने को मिला है। मेरा मानना यही है कि अब 10,100 होल्ड डाउन करना चाहिए और मोमेंटम बरकरार रहेगा और हो सकता है कि 2-4 ट्रेडिंग सेशन में या ये वीक कह सकते हैं कि ये वीक में हो सकता है कि निफ्टी एक बार आपको 10,300 के भी लेवल दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं रहेगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं रहेगा। और ये मोमेंट जिस हिसाब से जो दर्शा रहा है वो बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स दो जो सेक्टर्स वाइज हैं NBFC के ये आने वाले दिनों में एक नया टॉप भी देखने को मिलेगा और जिस हिसाब से बैंकिंग इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये ही अपने आप में एक दर्शाता है कि मोमेंटम स्ट्रांग है, बरकरार है एंड पीपल आर विलिंग द स्टोरी कि इंडिया में अब डेफिनेटली अच्छे दिन आने वाले हैं या आ चुके हैं और ये मोमेंट ऐसे ही बरकरार रहेगा। विकास दो मिड कैप स्टॉक्स हैं HEG और ग्रेफाइट इंडिया, ये दो शेयर पिछले हफ्ते भी काफी चले, कोई व्यू है आपका इन स्टॉक्स पे, आज भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर है? बिल्कुल अनिशा, पिछले एक महीने से इन दोनों स्टॉक्स ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, बहुत अच्छी दौड़ लगा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है ये दोनों कंपनियां ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है और वहां पे एक बहुत बड़ी तेजी हो रही है इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ कोई चाइना में कुछ डिसरप्शन की वजह से, तो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव फायदा इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिला है। हालांकि अपने निचले लेवल से बहुत अच्छे चल चुके हैं बट मुझे लगता है जिन निवेशकों ने लिए हुए हैं वो अभी भी इन दोनों स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। मुझे लगता है इस क्वार्टर में या आने वाले क्वार्टर्स में इनके नतीजों में कंपैरेटिवली बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और वही इनके स्टॉक परफॉर्मेंस में बिल्कुल देखने को मिला है जी। चलिए आज की दो लिस्टिंग्स भी हैं और इस बीच जिस तरह के हाई पर मार्केट ओपन हुआ है, जो आज के लिए लैगार्ड्स हैं एक्चुअली वो कुछ हद तक फार्मा स्पेस है एंड टाटा ग्रुप के कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि आज बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, जैसे टाटा स्टील है या फिर टाटा पावर है।
ये थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, लेकिन मेटल्स पर विकास जब कभी इस तरह का कोई सॉफ्ट डे मिलता है जिस दिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो, इसे क्या ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कुछ बाइंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मीर, ये जो मेटल जो स्पेस है एक दो दिन की जो एक सुस्ती के बाद बिल्कुल अच्छी चाल आती है। इंटरनेशनली पूरे ही मेटल्स में बहुत अच्छा रुझान है, जो प्राइजेस है वो कोई 5 साल के कोई 8 साल के हाईस पे चल रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स में जिस किसी दिन गिरावट आती है वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे जो मेरा पसंदीदा शेयर रहेगा वो रहेगा, एक तो हिंडाल्को मुझे पसंद है, नालको पसंद है, फिर वेदांता भी अच्छा लगता है, और बाकी स्टील स्पेस में भी मुझे लगता है जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, इनमें भी कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, वहां पे बिल्कुल एक दो दिन बाद वापस से तेजी बनती है और एक ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ब्रजेश, आप अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर्स पे कुछ करेंगे, यहाँ भी कुछ इंटरेस्ट दिख रहा है आज? See, Ashok Leyland, after forming a base at 75 around, and from there it has shooted up. So it consistently is moving up with the volume. अभी क्योंकि आज के सत्र में लगभग 118-119 के आसपास में चल रहा है, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से टारगेट लगभग 125 का आता है और जो सपोर्ट है वो लगभग 112-113 के आसपास का आता है। तो सलाह तो यही रहेगी कि अगर 115 के आसपास में मिलता है तो डेफिनेटली आप बाई कीजिए, 112 का स्टॉप लॉस लेके चलिए और 125 वुड बी द टारगेट फॉर अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। अगर किसी का व्यू लॉन्ग टर्म का है तो चार्ट के हिसाब से 155-160 के भी लेवल निकलते हैं। रही बात टीवीएस की, समवेयर अराउंड 650 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट की बात करूं तो लगभग 115-120 के आसपास में आता है, तो कोई अगर डिप आता है समवेयर अराउंड 645 तो वहां पर बाई करने की सलाह रहेगी। 620 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो एंड द पुल बैक रैली कैन बी प्लेड टिल 670 एंड 675। अब कुछ एक स्टॉक्स देखते हैं हम जहां पर बहुत अच्छा वो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है और उनके मंथली चार्ट्स को देखते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मेंस देखा है हमने। एक तो ऑब्वियसली बॉम्बे डाइंग और बॉम्बे बर्मा, इन दोनों पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है, आज भी काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ये कैश में काफ़ी अच्छा गेन दिखा रहे हैं। नाउ लुक एट दैट चार्ट, अगर आप देखेंगे मंथली बेसिस पर यहाँ पर 136% का गेन देखने को मिला है बॉम्बे डाइंग पर। सिमिलरली बॉम्बे बर्मा पर भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। कुछ और काउंटर्स जिसमें हमने अच्छा मूव देखा है, इसमें एक है गोवा कार्बन, इसे भी अगर आप देखें ये आज भी जो कैश गेनर्स की लिस्ट है उसमें चल रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है और एक महीने में ऑलमोस्ट 50% ऊपर ये इस समय ट्रेड कर रहा है। इन स्टॉक्स पर इस समय ब्रिजेश क्या करेंगे आप, बिकॉज यू नो ग्रेविटी डिफाइंग मूव है, अब हम हर बार देखते हैं हमें लगता है ओवरबॉट है, शायद करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है। सिर्फ एक सिंपल ट्रेडिंग प्रिंसिपल है कि जब कभी स्टॉक्स नया 52-week टॉप बनाता है विद वॉल्यूम, वो इंडिकेट करता है कि इट इज बीन इन अ स्ट्रॉन्ग बुल रन फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग हैंड। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ट्रेडिंग बतौर ही अगर हमको काम करना है तो जैसे बॉम्बे डाइंग की हम एग्जांपल लें तो समवेयर अराउंड 145-152 का उसका प्रीवियस 52-week हाई था, वहाँ से वो इसने नया ब्रेकआउट दिया और लगभग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 175 के आसपास या 177 के आसपास का उसने एक सर्किट मारा और आज के सत्र में भी एक सर्किट के आसपास में ही ट्रेड करा 184 के आसपास में। सलाह यही रहेगी कि जब तक स्टॉक 152 या अगर ट्रेडिंग बतौर अगर करना है तो आप 177 को ब्रेक नहीं करता है तो बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक में भी पोटेंशियल बाकी है, बॉम्बे डाइंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आई एम लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 210 फॉलोड बाय 225। अगर हम बॉम्बे बर्मा की बात करें तो 1320 या 26 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, डीपर सपोर्ट 1180 के आसपास का आता है, ट्रेडिंग बतौर अगर सपोर्ट की बात करता हूं तो 1290 आता है। स्टॉक में पोटेंशियल है 1400 के लेवल को टच करने के लिए या हो सकता है कि एक बार 1400 के लेवल को भी क्रॉस करके इट हैज पोटेंशियल गोइंग ऑल द वे टू 1540 आल्सो। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाईस पर हैं, जो जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है उस पर। विकास,
पिछले हफ्ते और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल शेयर्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस हो, लगभग हर दिन नया 52 वीक हाई बना रहा है और एडलवाइज फाइनेंस भी 52 वीक हाईज के करीब है। तो इनमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि अप मूव चलता ही रहेगा कि अब रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं? देखिए अनिशा, कोइंसिडेंटली ये दोनों स्टॉक मैंने अपने जो प्री मार्केट नोट में आपको भेजे थे जिनमें खरीदारी करने की सलाह थी, बट अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो इतने रनअप के बाद थोड़ा इंतजार बिल्कुल करना चाहिए। बट दोनों ही स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं। जहां तक दीवान हाउसिंग का सवाल है, ये अभी कोई न्यूज फ्लो की भी इंतजार है, जैसे माना जा रहा है इनकी कोई एक बीकेसी में कोई लैंड है उसकी कोई डील हो सकती है, या फिर ये अपनी कोई सब्सिडियरी में भी स्टेक बेचने की इनकी योजना है। तो और उसके अलावा ये चूंकि हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में है जहाँ पे बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही मार्केट का इंटरेस्ट भी बहुत है, तो उस लिहाज से अपने ऑल टाइम हाईस के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट लंबे अवधि के लिहाज से दोनों स्टॉक में मेरी राय में थोड़े गिरावट का इंतजार करना चाहिए। कोई भी बाजार में करेक्शन आता है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये लेवल्स में यहां से भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, बट चूंकि चल चुके हैं बोल के ट्रेडिंग जिन्होंने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस बीच हमारे साथ और एक मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ प्रशांत प्रभाकरन जुड़े हैं फ्रॉम यस सिक्योरिटीज। प्रशांत, मॉर्निंग टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आज एक नया हाई भी हुआ है मार्केट में, एंड साथ ही एक्शन अच्छा खासा है मार्केट में, यू नो स्पेशली ऑन द प्राइमरी मार्केट साइड ऑल्सो। आज अगर हम देखें, एक तो दो लिस्टिंग्स हैं बिसाइड्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का इशू अभी भी ओपन है, चल रहा है। 27% सब्सक्रिप्शन था ऑन डे वन और ऑलमोस्ट 6000 करोड़ का ये इश्यू है। सो बिटवीन द मोमेंटम इन द सेकेंडरी मार्केट जो रिज्यूम हुआ है एंड द मोमेंटम इन द प्राइमरी मार्केट जो कि ऑनगोइंग है ऑलरेडी, आप किस पर बेट करेंगे इस समय? सो बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी भी खेल लिक्विडिटी का ही है। लिक्विडिटी ढूंढ रहा है स्टॉक्स ऐसे जहां उनको रिटर्न्स मिल सके, तो प्राइमरी मार्केट हो जहां पे यूजुअली इन्वेस्टमेंट बैंकर छोड़ता ही है टेबल पे कुछ ना कुछ, सो दैट लिस्टिंग गेन्स हो क्लाइंट्स को और उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो पूरा हो जाए। उसी के बेसिस पे लिक्विडिटी फॉर प्राइमरी मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट्स में जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी कैच ऑन किए नहीं है, अभी भी अर्निंग्स का लगाड है। ये क्वार्टर के भी अर्निंग्स में हमको डाउट है कि ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो लिक्विडिटी उन्हीं एरियाज में जाएगा जहाँ थोड़ा ऑप्टिमिज्म हो, जहाँ थोड़ा सा रिटर्न्स मिलने का कोई चांसेस हो। इसीलिए इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 60,000 क्रोर्स ऑफ वर्थ ऑफ IPOs कमिंग इन द मार्केट, माई बिलीफ इज दैट एरिया एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वन ईयर जब अर्निंग्स कैचअप होने को टाइम लगेगा वो काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है। और एज फार एज सेकेंडरी मार्केट्स इज कंसर्न, जो प्रीमियम वैल्यूएशन परफॉर्मर्स को दिया गया है वो तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ फर्दर अपसाइड टू दैट विच इज लार्ज। नाउ यू विल हैव टू वेट फॉर दिस क्वार्टरली रिजल्ट्स टू कम आउट बिफोर द मार्केट रिवॉर्ड्स और पनिशेस द नॉन परफॉर्मर्स। बिल्कुल। इस बीच ओवरऑल प्रशांत, आपका व्यू इस समय बैंकिंग और साथ ही जो NBFCs हैं इस स्पेस पर क्या है, कंसिडरिंग कि ये हैवी कंट्रीब्यूटर रहते हैं किसी भी अप मूव में, लेकिन इस समय जो न्यूज फ्लो है स्पेशली ऑन द बैंकिंग साइड बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है, दे आर स्टिल अंडर स्कैनर एट दिस पॉइंट NPS को लेकर, आपका व्यू क्या है बैंकिंग स्टॉक्स में? सो बैंकिंग के दो पोर्शंस हैं, यू हैव अराउंड 65% ऑफ द मार्केट जिसका क्रेडिट दिया जाता है PSU बैंक्स को, क्रेडिट साइकिल जो चलाता है वो PSU बैंक्स है, बाकी का 35-36% इज टेकन केयर बाय NBFCs एंड प्राइवेट बैंक्स ऑफ। हमारा जो व्यू है वो NBFCs और प्राइवेट बैंक्स की तरफ काफ़ी स्क्यूड है, पॉजिटिव है, और हमारा एजम्पशन है कि अगले 4-5 साल तक ये जो पैटर्न है काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज यू PSU बैंक का जो स्पेस है वो अपने ही प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, उसमें NPAs का प्रॉब्लम है, क्रेडिट ग्रोथ साइकिल प्रैक्टिकली जीरो से नेगेटिव में चालू है, और वहाँ पे कॉर्पोरेट लोन्स का जो साइकिल है वो चालू होना मुश्किल है अनलेस यू हैव अ रिकैपिटलाइजेशन एंड सोल्यूशन जो आपके आज के NPA के प्रॉब्लम्स है उसमें है। तो हम काफ़ी बुलिश हैं NBFCs की तरफ बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि जो एरिया PSU बैंक्स ने खाली छोड़ा है क्रेडिट का, वो धीरे धीरे करके प्राइवेट बैंक्स और NBFCs हैं वो धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं।
अगर आप NBFCs और प्राइवेट बैंक्स की जो ग्रोथ साइकिल की बात करें और वो देखें, तो आप देखोगे कि काफ़ी अमाउंट ऑफ ग्रोथ आ रहा है बैलेंस ट्रांसफर से, जो लार्जली आपके PSU बैंक की तरफ से NBFC और प्राइवेट बैंक्स की तरफ आ ही रहा है, बिकॉज उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी कम हो गया है, उनका बुक अभी बढ़ना चालू हुआ है, पिछले 3-4 साल में मेजर NBFCs ने अपना पोर्टफोलियो बनाना चालू किया है और वो नए साइकिल के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये एरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये अगर पोजीशन बनाना है तो पोर्टफोलियो में अगले 4-5 साल के लिए ये बना के रखना जरूरी है और मैंडेटरी है। प्रशांत, FIIs का क्या रुझान देख रहे हैं आप आगे चलते हुए? बात होती रहती होगी आपकी, आप रिप्रेजेंट भी करते होंगे कई FIIs को, क्योंकि जिस तरह से बिकवाली वो कर रहे हैं, क्या आप देखते हैं कि ये टर्न हो सकता है और इस लेवल्स पर भी बाइंग आ सकती है उनसे? तो ये दो पोर्शन में ब्रेकअप करना पड़ेगा। वन पोर्शन रिमेन्स द फैक्ट दैट फंडामेंटली दे आर नॉट फंडामेंटल, जो अर्निंग्स कैचअप जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ नहीं है, इसीलिए वो अनकंफर्टेबल हैं, वैल्यूएशन ज़्यादा हाई के लिए वो रेडी नहीं है, लेकिन लोअर लेवल में बाइंग के लिए तैयार है। दे हैव लिक्विडिटी टू एंड अप पंपिंग इन केस द मार्केट्स करेक्ट्स टू अ लेवल दैट दे आर कंफर्टेबल विद। सेकेंड पोर्शन इज ये खुद काफ़ी सरप्राइज्ड है जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी का फ्लो हुआ है उससे ले, और इसके कारण उनका कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विल ऑल्सो इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं कि जो लिक्विडिटी का डेप्थ जो मिसिंग रहता था इंडियन मार्केट्स में वो आना चालू हो गया है, और वो एक्सपेक्टेड है कि अगले 8-10 साल में और बढ़ेगा, इसमें और पेस आएगा। FIIs आर हैप्पी दैट लिक्विडिटी और जो डेप्थ इंडियन मार्केट्स को चाहिए वो है, तो इन फ्रॉम बोथ साइड्स When your valuations catches up, ये FIIs और पैसा डालेंगे, आपका जो re-rating है इन emerging market पाए वो हायर ही होने वाला है इन द फ्यूचर ऑफ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फंडामेंटल्स कैचिंग अप विद द प्राइसेस दैट आर गोइंग ऑन इन द मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। विकास, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ अब राहुल अरोरा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल, हाय, मॉर्निंग टू यू। देखिए, एक तो लिक्विडिटी का है ट्रिगर, दूसरा जिस तरह के वैल्यूएशंस थी हमने देखा पूरे अभी तक में सितंबर में, और इनफैक्ट उससे पहले अगस्त में भी FIIs की तरफ से बिकवाली ही हुई है, बट द लेवल्स हैव नॉट गिवन अप। आपका व्यू इस समय मार्केट पर क्या है? देखिए, इसको अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो आपको एक बेटर अंदाजा मिलेगा कि जो ब्रोकर कम्युनिटी है या सेल साइड कम्युनिटी है, अगर आप उनके टोटल स्टॉक्स अंडर कवरेज देख लें और कितने बाइज हैं एज अ परसेंटेज ऑफ दैट, तो मुझे नहीं लगता कि 15-20% से ज्यादा एज अ टोटल ऑफ कवरेज यूनिवर्स किसी के भी बाय आइडियाज इस वक्त होंगे एट दिस निफ्टी लेवल। दूसरी बात यह है कि अ लॉट ऑफ सेल साइड ब्रोकर्स हैव नाउ स्टार्टेड वैल्यूइंग स्टॉक्स ऑन FY20। ये बेसिकली कहता है कि द शॉर्ट टर्म वैल्यूएशंस बाय द सेल साइड देमसेल्व्स आर नॉट बीइंग एबल टू गेट जस्टिफाइड, व्हिच इज व्हाई दे आर पुशिंग आउट द सॉर्ट ऑफ रोलिंग फॉरवर्ड EPS नंबर्स। अभी FY19 शुरू नहीं हुआ है और लोग FY20 में चले गए हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि लिक्विडिटी की ड्रिवन रैली है। देखिए, जनवरी से लेके अब तक 30% प्लस का इंडेक्स रैली हो चुका है, दैट इज ऑलमोस्ट 3.5-4% CAGR एवरी मंथ। ये कहीं ना कहीं रुकेगा, ये कब रुकेगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन दिस कैन नॉट गो ऑन एंडलेसली। काफी लोगों ने पैसा बनाया है, माई एडवाइस वुड बी नॉट टू गेट ओवरली ग्रीडी। बहुत पैसा बन चुका है इस साल, तो इट इज नॉट अ बैड प्लेस टू बी टेकिंग प्रॉफिट्स। द निफ्टी इज सिटिंग एट एन ऑल टाइम हाई टुडे, हो सकता है कि यहां से ऊपर भी जाए, बट जैसे हम ग्रीड और फेयर की बात करते रहते हैं, आई थिंक एट दिस लेवल इट इज प्रूडेंट टू प्रॉब्ली टेक सम मनी ऑफ। और ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खेल रहे हैं तो हो सकता है आप होल्ड कर सकते हैं, बट लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा प्रूडेंस एक्सरसाइज करना बनता है इस लेवल पे। राहुल, क्या बाजार में कोई भी ऐसे पॉकेट्स या कंपनीज हैं जहां अभी भी वैल्यूएशन और अर्निंग्स के अगर बतौर देखें तो अभी भी एक पोटेंशियल है और ग्रोथ का? देखिए विवेक जी, द सिंपल आंसर टू दैट इज है, लेकिन वैल्यूएशन बाईपोलैरिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे कि लोग IT और फार्मा की तरफ झुकना ही नहीं चाहते, और बाकी जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी हैं, बैंक्स या NBFCs हैं, उनमें पैसा आता ही चला जा रहा है। बैंक निफ्टी इज़ एट 25,000 प्लस,
एनबीएफसी के सारे वैल्यूएशन 2.5-3 times प्राइस टू बुक के एक्सेस हो चुके हैं। अब ये वैल्यूएशन तब जस्टिफाई होंगे विवेक जी अगर आपको कमिसरेट टू करंट वैल्यूएशन ग्रोथ दिखे। तो इफ आई एम सीइंग अ 25-30% ग्रोथ इन एनबीएफसीज ओवर द नेक्स्ट 2-3 years तो मैं ये प्राइस पे भी खरीदारी करूंगा। एट आर ब्रोकरेज वी आर वेरी सिलेक्टिव इस लेवल पे। हमें लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डिस्क्रेशनरी में थोड़ा बहुत वैल्यू अभी भी है। वी लाइक नेम्स लाइक वर्लपूल, वी लाइक नेम्स लाइक क्रॉम्पटन कंज्यूमर। आज की जो लिस्टिंग है डिक्सन टेक्नोलॉजीज उस पर हमारा सब्सक्राइब था। कुछ ऐसे एनबीएफसीज हैं जैसे मुथूत जहां पे हमें लगता है कि अभी भी उज्जीवन अभी भी थोड़ा लगता है कि ग्रोथ आ सकता है, लेकिन ये पॉकेट्स थोड़े कम होते जा रहे हैं ईच टाइम द निफ्टी हिट्स अ न्यू हाई। तो यू हैव टू लुक एट द स्टॉक्स दैट यू आर एंटरिंग, आपको अर्निंग्स ग्रोथ क्या मिल रही है कमिसरेट टू वैल्यूएशंस, एंड अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक द पॉकेट्स आर टू मेनी एट दिस पॉइंट। आज एलएनटी की तरफ से काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आप एलएनटी को देखें निफ्टी में अकेला एलएनटी ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इस समय कर रहा है जो निफ्टी की बढ़त है उसमें। काफ़ी अच्छा आज के लिए इसने लीडरशिप का रोल अदा किया है। प्रशांत, एलएनटी या फिर रिलायंस या फिर आईटीसी जो कि ऑब्वियसली इंडेक्स के लिए भी काफ़ी मायने रखते हैं, इन स्टॉक्स पर आप कंफर्टेबल हैं? डू यू सी सम मोर अपसाइड इन स्टॉक्स में? देखो आईटीसी तो हिला ही नहीं है बिकॉज ऑफ द फैक्ट आफ्टर द फॉल इट हैज रिमेन्ड देयर एट अ पर्टिकुलर लेवल, और इसका जो प्रोस्पेक्ट्स है फ्यूचर में सिंटैक्स अनलेस यू हैव क्लैरिटी ऑन टैक्सेशन ये हिलने का चांसेस भी कम है बिकॉज उनका जो एग्री डिवीजन है और होटल्स डिवीजन है आर नॉट ग्रोइंग एट द पेस एट विच वी वुड बी कंफर्टेबल विद। सो इवन दो इट्स अ लॉन्ग टर्म होल्ड एंड वैल्यूएशन आर अट्रैक्टिव फॉर आईटीसी, यू वोंट सी इमीडिएट रिटर्न एज फार एज आईटीसी इज कंसर्न इन द मार्केट्स ऑफ in the next 1 year if we manage to get a percentage anywhere between 10-12% it is a good bet for an ITC to have. LNT ek aisa stock hai jo in this market valuation ke hisab se abhi ja ke hilna chalu hua hai, lekin the potential of the stock in case jo Indian economy aur infra ka story unfold hoga bahut important rehne wala hai. Inhone 2-3 major changes kiye hain, khud ke margins ko kaata hai to make sure that your वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है उसका साइकिल शॉर्टन हो, और कलेक्शंस पे ध्यान दिया है जो इनका एक मेजर प्रॉब्लम था पिछले 4-5 साल से, जहां वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल था वो काफी एक्सटेंड हो गया था। दे हैव कम बिलो द 20% मार्क, दे हैड टच्ड अराउंड 26-27 एंड दे हैव कम डाउन बिलो द 20% मार्क। इट्स अ शियर बेल्ट, एंड इन केस आई अगेन से इंफ्रा के स्टोरी में अगर कॉन्ट्रीब्यूट करना ही है तो एलएनटी हैज टू बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो because invariably the liquidity flow aayega FIIs mein, it will be one of the key stocks to have in their portfolio also. Reliance in any case is a buy for our side off, you still have a minimum 15-20% upside that we see, though there is a drag in the balance sheet right now because of the Jio investment that they have ended up doing. Rahul, kai experts ka manna hai ki ye jo festive season jo aa raha hai is par kafi hope banne hue hain, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये फेस्टिव सीजन ट्रिगर कर सकता है वो अर्निंग्स रिवाइवल या इनकम रिवाइवल। क्या आप सहमत हैं इस लॉजिक से? देखिए विवेक जी, सेकेंड हाफ में जाने में वैसे भी आपका बेस इफेक्ट बहुत फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जब डीमोनेटाइजेशन आया था वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर में आया था, तो ऑब्वियसली इस बार भी फेस्टिव सीजन जो है वो उसी क्वार्टर में है, तो आई थिंक यू विल गेट द डबल बेनिफिट ऑफ बेस इफेक्ट एज वेल एज ऑफ द फेस्टिव सीजन, बट दैट विल नॉट बी समथिंग यू कैन एक्सट्रैपुलेट टू ऑल द सेक्टर्स। ये कुछ सेक्टर्स में ज्यादा दिखेगा जैसे कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स होंगे या फिर कंज्यूमर फाइनेंसिंग रिलेटेड सेक्टर्स होंगे जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, तो आई डोंट थिंक कि एट एन एग्रीगेट लेवल ये ज्यादा इंपैक्ट करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि द सेकेंड हाफ ओवरऑल विल बी वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, एंड दिस विल आई डोंट थिंक दिस शुड बी एक्सट्रैपोलेटेड, क्योंकि ये एक तरफ से एक नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे कि काफी हद तक कुछ कंपनीज आपको 25-30% का सेकेंड हाफ में ईपीएस ग्रोथ दिखा देंगे,
टू सम एक्सटेंट दैट शुड बी व्यूड एज नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स, क्योंकि वो बेस इफेक्ट बहुत फेवरेबल हो जाएगा. बट आई डोंट थिंक के फेस्टिव सीजन अक्रॉस ऑटोज में जरूर फायदा हो सकता है. यू नो, जैसे हम कुछ चैनल चेक्स कर रहे थे रिसेंटली आयशर के साथ या मारुति के साथ, और इनिशियल फीडबैक बहुत स्ट्रांग मिला है. तो एनीथिंग दैट इज कंज्यूमर फेसिंग और कंज्यूमर फाइनेंस फेसिंग, उसमें डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रांग लेग अप मिल सकता है गोइंग इनटू द अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर. राहुल, आपने डिक्सन टेक की बात की थी एंड एज यू मेंशन निर्मल बैंक की यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की सलाह थी, और देखिए किस तरह की ओपनिंग होने जा रही है. बीएसई पर जो टिक्स आ रहे हैं इंडिकेटिव, इसमें 54% के आसपास का लिस्टिंग अपसाइड दिख रहा है यहाँ पर, यानी 2725 पर ये दिख रहा है. 959 रुपए की 1766 का इशू प्राइस था यहाँ पर, और देखिए किन लेवल्स पर ये लिस्ट होने जा रहा है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं. 1760 से 1766 का प्राइस बैंड था, लेकिन ऑलमोस्ट 118 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और अब अच्छी खासी ओपनिंग 2725 के आसपास देखने को मिल सकती है. तो राहुल, सिंस यू हैड अ बाय, आप लिस्टिंग पर प्रॉफिट टेकिंग रेकमेंड करेंगे क्या? देखिए मिहिर जी, दिस इज जस्ट गोइंग बैक टू द ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, क्योंकि बाजार में आइडियाज इतने मुश्किल हैं आना कि ये सब्सक्रिप्शन लेवल्स थोड़े बिजार होते जा रहे हैं. लास्ट वीक एक इंफ्रा कंपनी की HNI सब्सक्रिप्शन करीबन 600 टाइम थी. यू नो, AU फाइनेंस को देख लीजिए, हार्डको को देख लीजिए. डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे जो FY17 का EPS था, हमने अज्यूम किया था कि अगर ये 20% FY18 और 19 में भी ग्रो कर जाए तो इट वुड बी कमिंग टू यू एट समथिंग लाइक 28 टाइम्स FY19 अर्निंग्स इफ इट देयर वाज अ 20% ग्रोथ ऑन द अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड. अब जो आपने कहा है कि ओपनिंग हुई है, अब इस लेवल पे बाय बोलना बहुत टफ हो जाता है बिकॉज यू गॉट अ 55%. सिमिलर वॉज द केस विद DMart, सिमिलर वॉज द केस विद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. ये स्ट्रक्चरल स्टोरीज हैं, लेकिन जिस तरह से ये लिस्ट होते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद, उस डे पे इन्वेस्टर्स को बोलना खरीदना, आई पर्सनली डोंट हैव द हार्ट टू इट बिकॉज आई थिंक इट वुड बी द रॉन्ग एडवाइस टू गिव. अगर मार्केट में करेक्शन आए या इस स्टॉक में करेक्शन आए, आई स्टिल थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी बिकॉज लाइक आई सेड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स इज वन सेगमेंट ऑफ द मार्केट दैट वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन. पर टू गो टू योर ब्रोकर एंड प्लेस अ बाय ऑर्डर नाउ आफ्टर द स्टॉक हैज ओपन्ड 55-60% हायर, आई वुड नॉट एडवाइज इट. प्रशांत, ये जो इंश्योरेंस सेक्टर से IPOs आ रहे हैं, बोथ जनरल में और लाइफ में, हालांकि ये दोनों डिफरेंट सेक्टर्स हैं लेकिन काफ़ी दिग्गज कंपनीज हैं जो आ रही हैं, इन पर आप क्या राय देंगे छोटे निवेशकों को, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए इनमें? लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योरेंस सेक्टर इज अ ब्रिलियंट सेक्टर बिकॉज उनका जो कोर बिजनेस है वो ग्रो होने वाला है बिकॉज इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में काफी लो है. एंड व्हेन यू कंपेयर इट टू डेवलप मार्केट, जब इकोनॉमी ग्रो होता है तो ये सेगमेंट ऑटोमेटिकली ग्रो होता है बिकॉज पीपल का अवेयरनेस बढ़ता है, आदमी इन्वेस्ट करने का जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होते जाता है, वो रियलाइज करना चालू करता है कि फैमिली को कवर करना इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक एसेट्स को कवर करना इंपॉर्टेंट है, आपके हेल्थ को कवर करना इंपॉर्टेंट है. सो दिस सेगमेंट will continuously have a growth of anywhere between 10-15% जो continuous रहने वाला है because thankfully Indian economy has been growing at a pace which has been I'm not talking about the economy, I'm talking about the population has been growing at a pace which has been large. This segment directly is correlated with the growth of population that happens and which needs to be covered. Apart from that, based on the base of your entire collections that have happened, based on your aging in the industry of, आपका जो investment portfolio है वो return भी देता जाएगा. तो considering the fact that you have a regular business model along with an investment model scenario, it's a brilliant model to invest for the future as far as Indian economy is concerned. तो ये रहना ही चाहिए long term के लिए आपके portfolio में. 80 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय है 10,165 के लेवल पर, और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन सारे ही हैवीवेट्स की तरफ से देखने को मिला है. तो अगर आप टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स को देखेंगे निफ्टी के, इसमें L&T है, रिलायंस है, HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ITC है, इंडसइंड बैंक है, टाटा मोटर्स है, एक्सिस बैंक है, पावर ग्रिड है और HDFC लिमिटेड है. सो बाइंग अक्रॉस द बोर्ड है. जो दो आज की लिस्टिंग्स हैं यानी BRNL और साथ ही डिक्सन टेक, इसमें
रहा है लिस्टिंग में 54% ऊपर दिख रहा है 2725 पर, लेकिन BRNL बिल्कुल ही फ्लैट है। 205 का इश्यू प्राइस था और उसी के आसपास ही इंडिकेटिव टिक्स में सेटल हुआ है। इसका ओवर सब्सक्रिप्शन भी इट वॉज लेस देन 2 times, एक्चुअली 1.8 times ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था, जबकि डिक्सन का IPO 118 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। राहुल, ये जो दो हैवीवेट IPOs, एक तो ऑलरेडी चल ही रहा है SBI लोम्बार्ड एंड सेकेंड इज SBI लाइफ, इन दोनों पर क्या व्यू है आपका? मीर जी, एज अ कंपनी पॉलिसी सिंस वी हैवंट पुट आउट अ नोट, आई थिंक बिकॉज ऑफ हैवी रिस्ट्रिक्शंस आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन ईदर ऑफ देम। ऑलराइट, खैर चलिए ये देख लेते हैं कि इन दोनों को रिस्पांस कैसा मिलता है, बिकॉज डे वन पे ही ICICI लोम्बार्ड जो है वो ऑलमोस्ट 27% सब्सक्राइब हो चुका था, बट इन दोनों इश्यूज को मिलाकर अगर हम देखें तो ये 10,000 से 12,000 करोड़ की लिक्विडिटी सक करेंगे मार्केट से। इन सब के बीच आज का सुपर शेयर कौन सा है ये देख लेते हैं एक बार। सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर, आज जो कंपनी चुनी है ये पहले भी हम चुन चुके हैं लेकिन उसके लक्ष्य अचीव हो चुके हैं, यानी कि नंदन डेनिम को हमने पहले चुना था और आज भी हम चुन के लाए हैं नए रिवाइज टारगेट के साथ, ये पहले वाले टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। ये चिरपाल ग्रुप की कंपनी है, टेक्सटाइल स्पेस के अंदर कंपनी कामकाज करती है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स रोबस्ट थे, चाहे आप सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो रफली 2 से 3 गुने के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था और 40% के आसपास YOY बेसिस पे भी कंपनी के नंबर्स अच्छे होते हुए दिखाई पड़े। रिसेंटली कंपनी ने अपनी कैपेसिटी इन्हांस की है 85% के आसपास, जो टारगेटेड है कि वो और बढ़ा 90% के आसपास अपनी कैपेसिटी को लेके जाएगा। ये कंपनी पेट्रोकेमिकल बिजनेस के अंदर भी है, इसकी एक आम पेट्रोकेमिकल बिजनेस में जो कि लिस्टेड आम है जिसका नाम CIL नोवा के नाम से है, 40 रुपए के आसपास का शेयर है, उस कंपनी के प्रमोटर के अंदर ये शामिल है और इंडिविजुअली इस कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो भी करीब करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास स्टेक रखती है, यानी कि 1/4% के आसपास स्टेक रखते हैं उसके अंदर, बहुत मिनिमल स्टेक अदरवाइज है लेकिन प्रमोटर के अंदर उसके ऑलरेडी शामिल भी है। GST का जो एक बड़ा ट्रिगर था वो अब फेज आउट हो चुका है, जो हमारी रिसेंट मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी उसके अकॉर्डिंग, और उनका मानना है कि एक अच्छे एवेन्यूज आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। सभी भी बड़ी जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं उनको कंपनी की सप्लाई है और मेजरली ज्यादातर सभी बड़े ग्राहक कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर शामिल है। चुनने की एक और वजह यह भी है कंपनी की जो वैल्यू है वो काफी साउंड है। क्वांटम की एक रिपोर्ट है, उनके अकॉर्डिंग FY19 में नोवान TPS करीब 21 रुपए के आसपास की है और 7 के मल्टीपल पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है, तो वैल्यू वाइज एक अच्छे वैल्यूज है। जो पुराना टारगेट था वो अचीव हो चुका है, नया टारगेट जो है वो करीब 190 रुपए के आसपास का है और उसी आधार पर खरीदारी की जा सकती है, क्वांटम की रिपोर्ट। प्रशांत, एक आखिरी सवाल आपसे, मैक्रो पिक्चर अगर देखें तो इस वक्त किस तरह की लग रही है और क्या ट्रिगर्स हैं? क्या आप मानते हैं कि अब जो वर्स्ट है, जैसे ये Q1 GDP जो 6% से नीचे आया, कुछ लोगों का मानना है कि ये एक लो हो गया है, अब यहाँ से बेटर ही होगा, लेकिन कुछ औरों का मानना है कि ये इतनी जल्दी वापस 6.5-7% तक नहीं आने वाली ग्रोथ, इस फ्रंट पर क्या मानते हैं आप, आपकी क्या राय? विवेक, हमारा भी ये राय यही है कि ये थोड़ा लंबा समय तक खींचने वाला है। GST का इम्प्लीमेंटेशन और डिमॉन का इम्प्लीमेंटेशन दोनों विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हुआ है, दोनों बहुत बढ़िया प्रपोजल्स है फॉर द लॉन्ग टर्म एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने में भी प्रॉब्लम्स होता है। GST के हमने जैसे कहा है कि Q2 का हमको भी लग रहा है कि ये क्वार्टर का भी रिजल्ट काफ़ी डाउन आने वाला है एज फार एज अर्निंग्स इज कंसर्न, बिकॉज जो पिकअप है रिटेल लेवल पे वो अभी तक GST रजिस्ट्रेशन के कारण स्लो डाउन हुआ था, ये रजिस्ट्रेशन चालू है, बाय द टाइम दिस गेट्स इम्प्लीमेंटेड इट विल बी दिस क्वार्टर गेटिंग ओवर, यू आर नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 2 quarters, बट ओवरऑल फ्रॉम एन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव अर्निंग्स कमिंग बैक इनटू शेप और ग्रोथ दिखाने के लिए हमारा अजम्पशन है कि ये Q2 ऑफ नेक्स्ट ईयर उससे पहले होने नहीं वाला, ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिव बॉटम क्रिएट होगा, थोड़ा रहेगा यही लेवल पे और फिर मार्केट टेक ऑफ करेगा फ्रॉम अर्निंग्स। आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी तक हुआ नहीं है, इफ यू लुक एट द निफ्टी स्टॉक्स अराउंड 70-72% पे है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब प्राइवेट जो केपेक्स है काफी दूर है, कॉन्फिडेंस तो आ गया है प्रमोटर्स में, लेकिन टू फॉर अ बिजनेस कंजम्पशन पैटर्न टू कम इन एंड दिस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू गो अप एंड देन लुकिंग एट प्राइवेट केपेक्स इज अ लॉन्ग साइकिल, तो थोड़ा लंबा साइकिल है, रुकना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा, प्रॉफिट बुक करके बैठना इज एडवाइजेबल, बट यू नीड टू बी प्रेजेंट इन दिस मार्केट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस बिकॉज लिक्विडिटी इज दैट स्ट्रॉन्ग।
बिल्कुल, चलिए शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। राहुल आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।